बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को जब भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करने पहुंचे थे तो उनके साथ उनके दो सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। ललन सिंह और संजय झा को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है, मगर नवीन पटनायक के साथ हुई मुलाकात के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उससे स्पष्ट हो गया कि नवीन पटनायक ने एक रणनीति के तहत ललन सिंह और संजय झा को मीटिंग से दूर रखा। जिस खाने की मेज पर 6 कुर्सियां लगी थी जिनमें से 2 पर नवीन पटनायक और नीतीश कुमार बैठे थे, उस खाने के मेज से भी ललन सिंह और संजय झा को दूर रखा गया। जिस दौरान नीतीश कुमार और नवीन पटनायक खाने की मेज पर बात कर रहे थे उस दौरान ललन सिंह और संजय झा को उसी कमरे में दूर सोफे पर बिठाया गया। अब इस बैठक को लेकर के दिलचस्प तस्वीर सामने आई जहां पर नीतीश कुमार और नवीन पटनायक खाने की मेज पर खाना खाते दिख रहे हैं। इस खाने की मेज पर नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के अलावा नवीन पटनायक का एक सहयोगी भी साथ खाना खाते दिख रहा है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि नवीन पटनायक ने खाने की मेज पर नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के दौरान ही रही बल्कि जब दोनों मुख्यमंत्री साथ में दोपहर का भोजन कर रहे थे तो उस दौरान भी नवीन पटनायक ललन सिंह और संजय झा को दूर रखा। बिहार की राजनीति में ललन सिंह और संजय झा का क्या वजूद है ये सबको पता है, मगर भुवनेश्वर में इन दोनों नेताओं के साथ जो हुआ उसकी कल्पना उन्होंने सपनों में भी नहीं की होगी। एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार ने भी इस बात की कल्पना सपनों में नहीं की होगी। दोनों सहयोगी जिनकी वो काफी इज्जत करते हैं नवीन पटनायक उन दोनों की ऐसी फजीहत करेंगे। मतलब है कि बीजेपी नेताओं ने अब नीतीश कुमार के भुवनेश्वर दौरे को लेकर उन पर तंज कसना शुरू कर दिया और कहा कि नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की हवा निकल गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेश कुमार ने तो अपने फेसबुक पोस्ट में ललन सिंह के साथ घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि ललन सिंह खुद को जनता दल यूनाइटेड का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष समझते हैं, इसलिए वो भी नीतीश कुमार के पीछे पीछे उड़ीसा पहुंच गए। देवेश कुमार ने उस तस्वीर का जिक्र किया जहां पर खाने की टेबल पर केवल नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दिख रहे हैं और लिखा कि नवीन पटनायक के बहुरूपिया गिरोह को रूम तक में घुसने नहीं दिया। नवीन पटनायक जी का सहायक लंच टेबल पर जरूर बैठा लेकिन फोटो कॉल होते हुए ललन सिंह के लिए कोई जगह नहीं है। बता दें कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने 2 टुक कह दिया कि विपक्षी एकजुटता या गठबंधन के मुद्दे पर उनकी बिहार के मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं हुई, जिससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने की कवायद को बड़ा धक्का लगा है। रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।